हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है और बैलेंस शीट का सीरीज नंबर 1, जो कि उसमें 25 वीडियो से ज़्यादा हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो सीरीज सेकंड ला रहे हैं हम, जिसमें केवल हम ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज इस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले, उसका नाम है इंडिया मार्ट। क्या करता है इंडिया मार्ट? सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर बताता हूँ। जो काम जोमेटो करता है फूड इंडस्ट्री में, मतलब रेस्टोरेंट को और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है, वैसे ही क्या करता है कि इंडस्ट्री और जो कंज्यूमर्स के बीच में जो पाथ का जो काम करता है, तो उसका नाम है, जो भी एजेंट मानिए या कुछ भी मानिए उसको, यही काम ये कनेक्ट करता है कंज्यूमर्स को और सप्लायर को। ये काम करता है इंडिया मार्ट। ये हर सेक्टर में है, मेडिकल में देखिए आप, डिफरेंट जो भी सेक्टर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हर सेक्टर में काम करता है। तो लास्ट में एक बोनस पॉइंट हमेशा की तरह देने वाला हूँ, आप लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बैलेंस शीट का थोड़ा सा एडवांस सेक्शन है और इसका हमने पार्ट टू बना रहे हैं आजकल, जिसमें कि जो ग्रोथ स्टॉक्स है उसकी जो अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स, उनको हम एनालाइज कर रहे हैं। आज सबसे पहले आपके सामने लेकर आए इंडिया मार्ट। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया मार्ट क्या करता है और क्या क्या मेन काम करता है। तो देखिए कि ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कनेक्ट करते हैं, इनका जो सबसे जो बेसिक जो काम है, जो लेमन के टर्म में आप डिस्कस कर सकते हैं, ये कनेक्ट करते हैं एक बायर को और सेलर को। इंडिया मार्ट जो है लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो कि कनेक्ट करता है बायर को सप्लायर के साथ, और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, सेफ है, सिक्योर है, क्विक असिस्टेंट है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम देखें कि आखिर ये इंडिया मार्ट करता क्या क्या है, तो सबसे बेसिक जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जो सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारे सामने दिख रहा है, ये ड्रग्स, आप गौर से देख रहे हैं कि ड्रग्स में ये टैबलेट है ना, फार्मा न्यूट्रिकल टैबलेट्स हो गए, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ओनेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, आई ड्रॉप हो गया, खूब सारे प्रोडक्ट हैं। और भी इसके लिस्ट बाकी हैं, जैसे कि अब हर्बल प्रोडक्ट में देखें, हर्बल सिरप हो गया, हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, हर्बल इसके कुछ और भी इसके प्रोडक्ट आप देखिए, टैबलेट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, हर्ब्स कैप्सूल हो गया, ये इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। ये आप देखेंगे तो वेट गेन न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, मल्टी विटामिन टैबलेट्स हो गया, मल्टी विटामिन सिरप हो गया, मल्टी विटामिन कैप्सूल हो गया, ये आपके सामने अलग अलग इसका प्रोटीन है। ये अगर डिस्कस करें कि एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स और मेडिसिन, ये आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि एंटी फेगुल क्रीम होता है, एंटी HIV ड्रग्स होता है, ये अलग अलग इनके काम है, अलग अलग सप्लाई करते हैं। एक्सरे फिल्म हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, ये डिजिटल एक्सरे मशीन हो गया, और एक्सरे फिल्म, MRI मशीन और ECG मशीन, ये भी डिस्कस करते हैं। जो थेरेपी कराते हैं हम, इनके लिए भी इनके अलग अलग सपोर्ट टीम है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है हॉस्पिटल चैन देखिए, तो मेडिकल एंड सर्जिकल जो क्लोथ जो हम जो डॉक्टर्स पहनते हैं, आपको पता है जो मास्क लगाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, एक्टिवेटेड मास्क लगाते हैं, कौन लगाते हैं, सारे के सारे काम करते हैं। ऐसे ही जब ICU रूम में जाएंगे, भगवान न करे आपको जाने की ज़रूरत पड़े, आपको तबीयत आपकी ख़राब हो, हम एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी सुखी हो, यही प्रे है गॉड से। आज ये टॉपिक पे आते हैं, ICU वेंटिलेटर हो गया, फोरहेड, जितने भी आप सामने देख रहे हैं, सर्जिकल एंड व्हाट वी कॉल मेडिकल कंजम्पशन हो गया, साइथ्रोपिक हो गया, इस सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम डिस्कस करें फूड एंड एग्रीकल्चर में, तो हम देखेंगे कि ये राइस हो गया, वीट हो गया, दाल हो गया, शुगर हो गया, पल्सेस हो गया, मैज हो गया, चना दाल हो गया, वीट ग्रेन हो गया, सारे के सारे सीरियल्स हैं और ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर डिस्कस करें कि पोल्ट्री फॉर्म में डिस्कस करें, किचन चिकन एग गोट मीट पोल्ट्री फॉर्म फ्रेश, ये सारे के सारे बुफालो मीट, ये सारे के सारे ये कनेक्ट करते हैं। आप अगर डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या, सारे के सारे इनके अलग अलग वेराइटी हैं। आप इंडस्ट्रियल में क्या क्या काम करते होंगे, आप देखिए, जैसे कि वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये ऑस्मोसिस प्लांट्स, मिनरल्स वाटर प्लांट्स, RO जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम, और आप डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इसके अलग अलग सेगमेंट है। और आप डिस्कस करते हैं कि ये जो है राइस मिल मशीनरी हो गई, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जूस ग्राइंडर हो गया,
एनिमल फीड मेकिंग हो गया, और आप डिस्कस कर सकते हैं कि फूड क्लोथ्स हो गए, अलग अलग इसके चीज़ बनते हैं। इंडस्ट्रियल सप्लाई में देखेंगे कि स्टोरेज टैंक में, ड्रम्स कंटेनर में भी काम करता है। अब हमने डिस्कस किया कि वाटर हीटर, गीजर, रूम्स हीटर, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग कंपोनेंट, स्प्रे, वाटर हीटिंग कॉयल, सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल मेस, वायर मेस, स्टील मेस और इसके गेटिंग अंदर वाइब्रेटिंग, इस सारे अलग अलग इसके प्रोडक्ट आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आप इसके अदर सारे प्रोडक्ट भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। चलिए, अब आपको पता है कि 19 से कोरोना है और आपको पास इनके ही पास और भी दो तीन मटेरियल आपके सामने ऑलरेडी दिख रहे हैं। मास्क है, सैनिटाइजर है, अदर हाइजेनिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने देखा कि हॉस्पिटलाइज जो भी कंजम्पशनल डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट वगैरह कोई भी बनाते हैं, ये ग्लव्स जिन्होंने खुद बनाए हैं फ्री, ये फेस मास्क देखिए, सर्जिकल ग्लव्स देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई देखिए, मेडिकल मास्क देखिए और इसका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखिए, सर्जिकल कैप भी देखिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आगे ये कुछ और देखें, तो ये हम देखेंगे ड्रग्स देखिए, ये मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विस देखिए, मेडिकल टेस्ट सर्विस देखिए, फिटनेस सप्लीमेंट देखिए और PCD फार्मा आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि हाइजेनिक पर्सनल केयर क्लीनिंग में क्या क्या सप्लाई करते हैं, तो आप इसका हैंड वॉशर देखिए, इसका टिश्यू पेपर देखिए, हैंड सोप देखिए, क्लीनिंग एक्शन में देखिए, गार्बेज बैग देखिए जो कि ये आता है, सारे के सारे ये इंडिया मार्ट काम करता है। हॉस्पिटल मेडिकल इक्विपमेंट को ईजिली ये देखिए, आपके पास सामने दिख रहा है ये थर्मामीटर, ये सक्शन मशीन, ये सारे आपके इक्विपमेंट दिख जाएंगे। पैकिंग मटेरियल में आप देखेंगे प्लास्टिक बोतल हो गया, एक कैप्स वगैरह हो गए और अलग अलग चीज़ और भी है जो कि ये काम करता है। पैकिंग पोस्ट वगैरह में हम इजीली ये हम इसको देख सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि फूड एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग में देखें, राइस बनाता है, राइस अलग अलग, वीट अलग अलग, पल्सेस अलग अलग, सीड्स अलग अलग, एग्रीकल्चर मशीनरी अलग अलग, एग्रीकल्चर टूल्स अलग अलग, फर्टिलाइजर अलग अलग हम देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या क्या होता है, ट्रक्स क्या क्या काम करते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस क्या क्या काम करते हैं, कार्गो शिपिंग में क्या क्या काम करते हैं हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये सेफ्टी शू और एक कमर्शियल यूनिफॉर्म, टी शर्ट, ट्राउजर, मेंस ब्लाउज, ब्लेजर्स, ये अलग अलग सिंथेटिक सामान भी डिस्कस कर रहे हैं। ये स्नैक्स मशीन, राइस मिल मशीनरी, एनिमल्स, एयर कंप्रेशर, एसर वेल्डर, वॉल एक्सट्रक्शन एंड द वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स एंड द बैग पैकिंग, ये कुछ अच्छे अच्छे ये सामान यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी इनके पास है और इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सामान देखिए, जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ये आप देखिए, फ्लड लाइट्स अलग लाइट होता है, स्पॉट लाइट, सोलर बैटरी, बिलिंग मशीन, ये हाई मास्ट लाइटिंग, ये आपको पता है, ये फाइंडिंग सप्लायर ये काम है, फाइंड सप्लायर फ्रॉम द टॉप सिटी, दिल्ली में कौन कौन सप्लायर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कि आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको प्लाईवुड चाहिए, आपको वुडन चाहिए, PVC चाहिए, अलग अलग चीज़ चाहिए जो कि एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है और हमने देखा है। अगर हम डिस्कस करें कि इसके केमिकल डाई सॉल्वेंट एलाइड क्या क्या हैं, तो इंडस्ट्रियल डाई हो गया, रेजिन्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, केमिकल्स कंपाउंड हो गया, इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट ही काम करते हैं। और देखिए ये जो प्रोडक्ट ये बेचते हैं, जैसे जैगवार एक नामी गनामी कंपनी है, सैनी, ABC, एयरटेल, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंपनी हैं जो कि ये सप्लायर को और जो कंज्यूमर्स होता है दोनों को कनेक्ट करता है, इसका नाम है इंडिया मार्ट। अब हम चलने वाले हैं इसके सबसे मेन सेक्शन पे और डिस्कस करेंगे कि क्या करता है। और ये अब हम आ गए इसके जो मार्केट कैप इस कंपनी की देखें, जो कि है 22,000 करोड़ के अराउंड की कंपनी है। करंट प्राइस इसकी एक शेयर की वैल्यू जो है 7,354 रुपीज़ है, और अगर आप बात करें हाई जो गया है इसका अराउंड 10,000 गया है, लो गया है अराउंड 3,000 गया है। PE रेशियो अगर देखेंगे जो कि 76.1 है। बुक वैल्यू कल कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो आपको देने पड़ेंगे 530 रुपीज़। डिविडेंड इस कंपनी का है 0.30% है। ROC देखें, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय जो कि है 39%। ROE देखें जो कि है 29.6%। फेस वैल्यू देखेंगे 10 है, और पैक वैल्यू देखेंगे ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि ग्रोथ
वाली कंपनी है ये, जो कि जिसकी वैल्यू है 2.20, और क्विक रेशियो अगर देखेंगे 0.30 है, और इसका अगर कवरेज रेशियो देखें जो कि है 66.6। डेट इस कंपनी का अराउंड है 63 करोड़ का है डेट, जो कि ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल कम है, हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू बिल्कुल कम है। रिटर्न फ्रॉम द थ्री ईयर हम डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इसकी जो मेन चीज़ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है क्या क्या किया। हम लोगों ने बता दिया कि फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री टूडे स्टैंड आउट एज अ गेम चेंजर ऑन अ B2B लैंडस्केप। इट फोकस ऑन द इंट्रैक्टिंग स्मॉल मीडियम बिजनेस इन टू द न्यू पार्टनर विद द स्पीड एंड द ईज। वी आर कंस्टेंटली पुशिंग द फ्रंटियर इनोवेशन टू मेक द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मोर कम्फर्टेबल। बिल्कुल यही होगा, एंड द इनोवेशन एंड द विजिबल्स एंड एंगेजिंग टू देम। इसका की पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंपनी हैज बिन डाइवर्सिफाई इट्स प्रेजेंट्स नाउ एट द मार्केट मेट्रो सिटी, जो कि 33% इसके बायर हैं, और टू टायर सिटी में अकाउंट जो है 26% है, रेस्ट पूरे इंडिया में है। डाइवर्सिफाई प्रेजेंस हेल्प करता है, जो कि मिनिमाइज करेगा बिजनेस का। एक नेशनल वाइज कवरेज है, जो कि 85 इसके पास ऑफिस है, और इसके एम्प्लॉई भी हम देख पा रहे हैं। अगर देखेंगे इसका कंपनी जो कमांड कर रहा है नियरली 60% मार्केट शेयर ऑफ द ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस में, पता है। अगर हम डिस्कस करेंगे 6 मिलियन सप्लायर इसके पास हैं, वेल डाइवर्सिफाई मार्केट प्लेस। अब देखेंगे 71 मिलियन प्रोडक्ट, जो कि 56 इंडस्ट्री जो कि लिस्ट है इसके वेबसाइट पे, और मेक करता है डाइवर्सिफाई मार्केट प्लेस इन द कंट्री। कोई भी सिंगल नो सिंगल इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 10% मार्केट प्लेस, ऑलरेडी लिस्टेड है। इंडस्ट्री पेंट्स मशीनरी इक्विपमेंट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी इन द मार्केट प्लेस कवर 8% एंड फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल एंड द क्लोथिंग एंड द गारमेंट एंड द पैकेजिंग मटेरियल कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस होल्ड, ये दिए हुए हैं। कस्टमर प्रोफाइल क्या है, बिजनेस फॉर द कंपनी लार्जली कम्स फ्रॉम द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज। द प्लेटफॉर्म मेक इट्स ईजियर फॉर द बायर एंड द सप्लायर थ्रू द ऑफरिंग विच इंक्लूड द मार्केट प्लेस कन्वीनियंट प्राइजिंग डिस्कवरी इंटेलिजेंट कनेक्ट ईजी एंड द सिक्योर पेमेंट। अगर आप इनकम सोर्स देखें इस कंपनी का, जो कि 95% रेवेन्यू जो कि सप्लायर और सेलर से कंपनी कमाती है, 58% रेवेन्यू जो कंपनी सेलर जो कि मेट्रो सिटी से कमाती है, जो कि टू टायर सिटी में है। अगर आप देखेंगे कंपनी होल्ड करती है इकोनॉमिक स्टेक इन द एसोसिएटेड वेवर्स एप्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंगेज करता है बिजनेस एंड सेलिंग ऑफ द अकाउंट सॉफ्टवेयर टू डील विद द इनवॉइसिंग इन्वेंट्री एंड द अकाउंटिंग नीड्स। ये अलग अलग इन्होंने बोला कि अलग अलग सेक्टर के लोगों को एक कनेक्ट करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें प्रॉफिट होता है। चलिए अब हम सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है सेल्स मार्जिन। हम क्या कर सकते हैं सेल्स मार्जिन में, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, इस कंपनी की सेल्स सबसे ज़्यादा हो रही है, तो सेल्स आर इंक्रीजिंग एक डिसेंट वैल्यू है ये हम देख सकते हैं। सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि ईयर बाय ईयर सेल इनका इंक्रीज कर रहा है। अगर सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इस कंपनी का अगर हम डिस्कस करें ये भी इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा थोड़ा बहुत, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे फिर वो टैक्स जो होगा थोड़ा जो भी कैटेगरी में होगा देना पड़ेगा। तो यही सीक्वेंस पूरे इंडस्ट्री में चलता है, हमें भी इसी को फॉलो करना चाहिए। अगर हम 5 ईयर के बारे में बात करें दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी कि 2018 से बात करें 2021 के बीच में सेल ग्रोथ अभी तक सबसे ज़्यादा हमें 2020 में मिला मार्च 21 के बाद, क्योंकि पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में सारी शॉप मैक्सिमम क्लोज थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ओपन हुई शॉप्स वगैरह वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी बढ़ने लगी। अगर आप 3 ईयर की बात करें, 3 ईयर में सबसे ज़्यादा जो इसकी जो सेल्स मार्जिन है जो कि है 2021 के बीच में है, और 1 ईयर में भी हम बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी जून के बाद में है। अगर हम बात करें इसकी अप्रोच के बारे में, तो कंपनी जो है इसकी जो डेट फ्री कंपनी है, हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है, इसके पास अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हम इजीली देख पा रहे हैं कंपनी के पास। और आपको अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंपनी की लगी आप है ना बिल्कुल इसमें कमेंट करके लिखिएगा, उसका कमेंट का मुझे रहेगा आपका इंतज़ार। चलिए
जैसे आपने डिस्कस भी किया होगा, जैसे कि इन्फोज क्या करता है और जैसे जस्ट डायल क्या करता है, जोमेटो क्या करता है, ठीक यही काम है इंडियन मार्ट का। लेकिन ये लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया खूब सारे, जैसे कि जोमेटो खाने की कैटेगरी में आता है, इन्फोज, इंटरनेट बैंक, जैसे कि 99 एकड़, क्या क्या काम है ये भी हमने डिस्कस कर चुका हूँ मैं, आप इसका सीरीज ज़रूर देखिएगा, है ना। वैसे ही जस्ट डायल आपको पता है, आपको कोई सा भी लोकेशन आसपास चाहिए, जस्ट डायल आपको इजीली उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये है जस्ट डायल की खासियत। आगे हम जानने वाले हैं और डिस्कस करेंगे क्या है क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का, करने वाले हैं कि आखिर जो इंडिया मार्ट जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करती है, किस किस डिपार्टमेंट में काम करती है। तो इंडिया मार्ट जो है एक अच्छी कंपनी क्यों है, तो सबसे बड़ी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक आ गया था सितंबर के बाद, फिर मार्च, और उसके बाद थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई, तो तब भी इस मार्केट में थोड़ी सी ग्रोथ तो है। ग्रोथ कितनी थी, 122 करोड़ जहाँ पे था, आज उसकी कीमत जो है राउंड अप देख सकते हैं 122 करोड़ से 182 करोड़ है, और जो वैल्यू जो है ये आगे बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं ये इसका सेल आराम से इस कंपनी का बढ़ते जा रहा है, और अभी इसका सेल जो है 182 के अराउंड है। अगर इसका एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस भी 100 करोड़, 126 करोड़ अभी इसके जो है 94 करोड़ के अराउंड है। प्रॉफिट देखेंगे 22 करोड़ है, 28 करोड़ है, 20 करोड़ है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे 87 करोड़ है, तो प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ते जा रहा है अप टू डेट में। अगर आप डिस्कस करेंगे कंपनी की जो अदर इनकम है, जो कि 9 है, यहाँ पे 29 हो गई, तो अदर इनकम भी कंपनी की बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट देखेंगे कंपनी की, ये वाली वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 30% है, यहाँ पे 102%। तो इसका जो पैट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाली वैल्यू भी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। नेट प्रॉफिट देखिए, ए वाली कंपनी की भी इंक्रीज होती जा रही है। EPS आपको पता है जो भी इनकी वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें क्या है खास, तो इसमें तो हम ये बात कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो सेल्स जो कंपनी की जो है, एक टाइम से दूसरे टाइम बिल्कुल इंक्रीज होती जा रही है, कि स्टार्टिंग में जो सेल्स जो था इसका 176 है, बाद में हो गया 254 करोड़ हो गया, और इसकी वैल्यू जो है 670 करोड़ इसकी वैल्यू हमें दिख रही है। जो एक्सपेंसेस अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हम इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि इसका 216 है, और इसकी जो वैल्यू जो है 344 करोड़, ये भी वैल्यू हमें दिख रहा है। इंटरेस्ट इस कंपनी का देखेंगे तो जो है अराउंड 7 करोड़ के अराउंड है। इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 389 करोड़ के अराउंड है। टैक्सेस देखेंगे 280 करोड़ के अराउंड है, और इन्होंने नेट प्रॉफिट, सॉरी टैक्स, इन्होंने 28% के स्लैब में आते हैं जो इन्होंने दिया है। एक अच्छी चीज़ जो कि हम देखेंगे कि अगर 35% 3 ईयर में 72%, 5%, ये सारी वैल्यू ये लगाते हैं। अगर आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे 21% है, यहाँ पे 3%, ये सारी वैल्यू इजीली हम इसमें नोन कर सकते हैं। तो मतलब हम क्या जान सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो है, कि इजीली हम अगर देखेंगे कि 2015 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, और इसमें 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, ये वैल्यू हमें बहुत कुछ बता देगी इस स्टॉक्स के बारे में। आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका बैलेंस शीट 10 साल का कितना रहा, क्या क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का अप्रोच हम कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दूं कि 2015 में इसके पास शेयर कैपिटल 58 करोड़ का था, यहाँ पे 30 करोड़ का है, यहाँ पे रिजर्व इस कंपनी का बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि एक गुड इंडिकेशन है। और जो ग्रोइंग कंपनियां होती है उनका मार्केट कैप कुछ ऐसा ही दिखता है, इसलिए इसके जो हम डाल रहे हैं नए सीजन में, जो कि बिल्कुल ग्रोथ कंपनियां हैं, इनके बारे में ये जो इसका हम देखेंगे कि मार्च 2020 में जो कि 77 करोड़ है, इसकी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इसकी जो है मोर देन 2254 करंट के अराउंड है, इसकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 901 करोड़ के अराउंड है, इसमें आप देखेंगे वैल्यू 607 करोड़ के अराउंड है, इसकी वैल्यू 311, इसकी वैल्यू 156, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, जो कि इसकी वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए
आधा रिसर्ट अब जो बात हम कर रहे हैं, आधा रिसर्ट इजिली हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है 2005-11, 1123, 821, 543, 221, अलग अलग एसेट्स इस कंपनी के जैसे जैसे मिल रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिल रही है। अब ऐसे पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि इसका कैश वैल्यू है। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो अच्छा होता है तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसका एक्सपेंडिचर है अलग है, अगर ज़्यादा खर्च उसमें जा रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैसे भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करेंगे 2021 की बात करें तो इसके पास जो कैश ऑपरेटिंग को प्रॉफिट के आ रहा है 322 करोड़ है, फिर 220 में आ रहा है 261 है, 19 की बात करें 255 है, इसमें बात करें 179 है। तो डिफरेंट इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसकी अलग अलग चीज़ें हमें सामने आ रही है जो कि एक अच्छी वैल्यू हमारे सामने दिख रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्होंने खूब सारे पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो इनमें थोड़ा बहुत खर्च भी आती हुई हमें नज़र आ रहा है। चलिए जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि अगर हम डिस्कस करें जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आखिर क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हमेशा से मैं आपको उससे बताते रहता हूँ कि अगर किसी भी कंपनी के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो उसमें शेयर होल्डर पैटर्न जो है एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि कंपनी कब लिक्विडेट होगी, कितना उसका मार्केट कैप है, कितना उसका ग्रोथ है, क्या उसका वैल्यू है जो कि इम्पोर्टेंट वैल्यू है। सारी चीज़ें हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इसी वैल्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हमारे सामने मिल के आ रहा है, जो हमें देखने को मिल भी रहा है, जो है हमारे पास अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो वो है अराउंड 52। और यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है ये वाली प्रमोटर होल्डिंग इसकी थोड़ी सी ये वाली वैल्यू इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है हमें। और इसका FII देखे, DII देखे, पब्लिक देखे, अदर प्रॉफिट देखें, सारी वैल्यू में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है। शेयर होल्डिंग जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो हमको देखने को मिल रहा है वो है पब्लिक से अगर हम देखेंगे जो कि 33 है आफ्टर मतलब प्रमोटर, प्रमोटिंग का ज़्यादा होता ही है जो कि 50% के अराउंड है जो हमारे पास डेटा है। अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इसके साथ और हम डिस्कस करा दें तो हमने रेशियो डिस्कस कर लिया, हमने कैश फ्लो डिस्कस कर लिया, हमने इसका बैलेंस शीट डिस्कस कर लिया, हमने इसका ये डिस्कस किया कि PL स्टेटमेंट कितना है, हमने इसको डिस्कस किया कि क्वार्टरली इसका रिजल्ट कैसा है, और हमने डिस्कस किया कि इसका जो ऑलमोस्ट फ्री क्या है, और हमने डिस्कस किया कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे वैरी करती है। एक बार जल्दी से मैं आपके साथ समराइज कर दूँ ताकि सारी बातें आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। देखिए एक कंपनी करती क्या है, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का काम है दो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ने का काम करती है। किस कैटेगरी में काम करती है तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के बारे में काम करती है। ये पेन इंडिया प्रेजेंस है इसका, लार्ज इंडस्ट्री को भी कनेक्ट करती है, ये स्मॉल इंडस्ट्री को भी कनेक्ट करती है। ये आप देखेंगे कि इसमें जो वेल डाइवर्सिफाई मार्केट प्लेस है, कस्टमर पोर्टफोलियो है, इनकम सोर्स है, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के सामने दिख रहा है। मार्केट कैप इसका पता है, ROE पता है, ROCE पता है, इसका डेट पता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पता है, सारी चीज़ें इजीली हमें पता है। और हमें पता है कि इसका ग्रोथ कैसे कैसे 5 सालों में कितना है, 3 सालों में कितना है, इजीली हम इसमें देख सकते हैं। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट कैसा, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि अराउंड EPS इसका कितना है, और कैसे कैसे कितना इसका अदर इन्वेस्टमेंट है, कितना इसका टैक्स दिया, कितना इसका एक्सपेंसेस दिए, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। और हमने एक चीज़ और डिस्कस किया कि इसका शेयर कैपिटल वैल्यू कितना है, इसका रिजर्व कितना है, बोरिंग कितना है, अदर लाइबिलिटी कितना है, फिक्स एसेट कितना है, और इन्वेस्टमेंट कितना है। और हमने ये भी डिस्कस सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसका प्रॉफिट, इसका एसेट, इसका रिजर्व, इसका लोन कम हो रहा है, बाकी सब चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, इसका मार्केट में पकड़ अच्छी है, और इसका जो काम है वो भी अच्छा है, मार्केट कैप इसका बढ़ रहा है, और एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ये डिस्क्लेमर है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि बाई सेल का। आपको केवल कैसे इसको एनालाइज करते हैं, ये ग्रोथ जो है ग्रोथ पोर्टफोलियो में क्या क्या हो सकता है, इसको लेके आपके साथ शेयर किया जा रहा है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है सबसे जो अच्छी चीज़ है इन कंपनियों को जज करने के लिए, हम देखते हैं कि आखिर कितना परसेंट मार्जिन रख के प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। तो अगर जिनका मार्जिन
अगर कम होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, क्लाइंट ज़्यादा होंगे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कंपनी कमाएगी। तो आपका रिव्यू क्या है इस कंपनी के बारे में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है और आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ बिल्कुल ज़्यादा होने वाला है। और लास्ट, अगर आप नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन, हम हमारी टीम हमारे लिए आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड करें।